नमस्कार, मैं हूं सिकता देव। हमारा भारत में आपका स्वागत है। इस खास पेशकश में हम भारत के कोने कोने से वो खबरें लेकर आते हैं जो आपको वहां की तस्वीर दिखाती है। दिन भर की खबरों से अलग देश का आईना है हमारा भारत। आज हमारा भारत में यूपी के कई जिले बरसात का प्रकोप झेल रहे हैं और साथ ही कैसे लखनऊ का जायका अब थोड़ा बदल सकता है। और बांग्लादेश में तख्ता पलट कर भारत बांग्लादेश सीमा पर हलचल हो गई है। भारत बांग्लादेश की सीमा पर सैकड़ों बांग्लादेशी मौजूद हैं जो भारत में आना चाहते हैं। इनमें बड़ी संख्या में उन हिंदुओं की भी है जिन्हें लग रहा है कि वो अब बांग्लादेश में सुरक्षित नहीं है। हमारी ये ग्राउंड रिपोर्ट। बांग्लादेश में तख्ता पलट और शेख हसीना के देश छोड़ने के बाद वहाँ अंतरिम सरकार तो बन गई, लेकिन देश के हालात काबू में नहीं है। बांग्लादेश से हजारों लोग भारत की सीमा पार कर यहां आना चाह रहे हैं। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों को भी अपने ऊपर खतरा बढ़ता दिख रहा है। तस्वीरें कुछ बिहार की हैं। बीएसएफ के जवान सीमा पर चौकस हैं। सीमा के दूसरी ओर 100 से ज्यादा बांग्लादेशी नागरिक मौजूद हैं। उनकी कोशिश है कि सीमा पार लगे इन तारों को किसी तरह पार कर जाएं। बीएसएफ ने इस भीड़ को ऐसा करने से रोक दिया है। जलपाईगुड़ी में भी बीएसएफ ने करीब 600 लोगों को सीमा में प्रवेश करने से रोका। जलपाईगुड़ी जिले में सतपुरा बॉर्डर के पास से सीमा पार से लोग घुसने की कोशिश कर रहे थे, ये सूचना मिली थी, लेकिन बीएसएफ के जवान अलर्ट थे। बांग्लादेश से जो लोग सीमा पार करना चाह रहे हैं उन्हें वहां अपनी जान का खतरा दिख रहा है। क्या हिंदू होना अपराध है? वो हमारे घर क्यों जलाएंगे? हमारे मंदिर क्यों तोड़ेंगे? हम भारत सरकार से अपील करते हैं कि हमें इंसानियत की नज़र से देखें, क्योंकि हम इस तरफ जी नहीं पा रहे हैं। हम पर रहम करें और वहां आने दें। हमने सीमा पर मौजूद भारतीय लोगों से बात की तो उन्होंने बताया कि बांग्लादेश से जो आना चाह रहे हैं उनमें ज्यादातर हिंदू हैं। बांग्लादेश में हिंदू दोनों पार्टियों के बीच में फंसे हैं जो आपस में लड़ रही हैं और एक दूसरे को मार रही हैं। ये लोग बचकर यहाँ आना चाहते हैं। बांग्लादेश में बवाल मचा हुआ है। बताया जा रहा है कि शेख हसीना के देश छोड़ने के बाद उनकी पार्टी अवामी लीग के लोगों को ढूंढ ढूंढ कर मारा जा रहा है। यहाँ हिंदुओं पर भी हमले बढ़ गए हैं। हालांकि बांग्लादेश नेशनल पार्टी यानी बीएनपी के कार्यकारी अध्यक्ष तारिक रहमान का कहना है कि बांग्लादेश को इन हालात से बाहर निकलना होगा, सबको साथ आना होगा। बांग्लादेश के सबसे बड़े राजनीतिक दल के नेता मैं बीएनपी के सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं से अपील करता हूं कि वो धर्म और वर्ग से परे अपने दोस्तों और पड़ोसियों के लिए मजबूत ढाल बने, भले वो हिंदू, मुस्लिम, बौद्ध या ईसाई हो। बांग्लादेश की सीमा का एक बड़ा हिस्सा असम से भी लगता है। असम के सीएम का कहना है कि अभी तक कोई भी अवैध घुसपैठिया राज्य में प्रवेश नहीं कर सका है। केंद्र ने राज्य सरकार को सीमा को सुरक्षित करने की हिदायत दी है। अभी तक कोई अवैध रूप से यहां नहीं घुसा है, वैध वीजा वाले ही यहां पर आए हैं। वैसे मुझे भरोसा है कि भारत सरकार बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा भी सुनिश्चित करेगी। बांग्लादेश में जो हालात हैं वो सबके सामने हैं। भारत के साथ उसकी लंबी सीमा लगती है, इसलिए वहाँ जो हो रहा है वो चिंता का विषय जरूर है। जमाती इस्लामी बांग्लादेश, जिसे शेख हसीना सरकार ने बैन कर दिया था, और शेख हसीना के सरकार के शासन के दौरान सबसे बड़े जो अपोजिशन पार्टी है बांग्लादेश में, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी कि बीएनपी, इन दोनों दलों के तरफ से आह्वान के बाद भी बांग्लादेश में अल्पसंख्यक समुदाय यानी कि हिंदू समुदाय पर आक्रमण हुआ है। इसके कारण बहुत लोगों को लगता है कि बांग्लादेश में जिन पर आक्रमण हुआ है वो बांग्लादेश छोड़ के भारत आने की कोशिश करेंगे। भारत के लिए इस परिस्थिति को बहुत ही सहनशीलता से संभालना होगा और भारतीय विदेश नीति के लिए ये एक परीक्षा बन सकता है। कैमरा पर्सन जीडी शंकर के साथ और गुवाहाटी से रत्नदीप चौधरी के साथ, कोलकाता से सौरभ गुप्ता, एनडीटीवी इंडिया। वहीं बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के महासचिव मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर से हमने खास बात की है। उनका कहना है कि उनकी पार्टी के नेता खालिदा जिया को दो रास्ते दिए गए थे, या तो वो बांग्लादेश छोड़ दें या भीड़ का शिकार हो जाएं। बांग्लादेश के चीफ जस्टिस पर उन्होंने कहा कि वो उस सरकार के साथ थे जिसने सैकड़ों लोगों को मरवा दिया।
इस्लाम का कहना है कि शेख हसीना के कार्यकाल में बांग्लादेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह खत्म हो गई। उन्होंने कहा कि फिलहाल खालिदा जिया बेहद बीमार हैं। फखरुल इस्लाम का कहना है कि बांग्लादेश भारत के साथ बेहतर संबंध बनाएगा। अल्पसंख्यकों के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि किसी के खिलाफ कोई एजेंडा नहीं है। बढ़ते हैं आगे। देश के कई हिस्सों में तेज बारिश ने बर्बादी मचा रखी है। यूपी के कई जिलों में इसका असर दिख भी रहा है। गंगा यमुना समेत दूसरी बड़ी नदियां उफान पर हैं। जिन लोगों के घर और खेत नदी के किनारे हैं उनके लिए समस्या सबसे ज्यादा है। उत्तर प्रदेश से हमारी एक ग्राउंड रिपोर्ट। ये संगम नगरी प्रयागराज है। पिछले कुछ दिनों में इतनी तेज बारिश हुई है कि गंगा और यमुना का पानी खतरे के निशान के पास बह रहा है। नदी का जल स्तर तेजी से बढ़ रहा है तो आसपास के इलाके जलमग्न हो रहे हैं। नदी के किनारे बसे इलाकों में सबसे ज्यादा दिक्कत है। यहाँ के लोगों का घर से निकलना भी दूभर हो गया है। जिन लोगों के अपने घर या कच्ची दुकानें हैं उनके हालात और खराब है। दिक्कतें तो बहुत है फिलहाल। यहाँ पब्लिकों को भी दिक्कत है, स्नान करने की भी दिक्कत है। यहाँ जो शिविर में आ रहे हैं वो उसको भी दिक्कत है, सही से दर्शन नहीं कर पा रहे हैं यहाँ पे। यही सब दिक्कतें हैं और यहाँ नाव चलाने वाले को भी दिक्कत है। घर द्वारा ही नहीं है कहीं, तो कहाँ जाएंगे? वैसे कहीं रोड पे फिर रह लेंगे। कितने दिन रह लेंगे? पानी तो बढ़ रहा है। जब पानी बढ़ के हट जाएगा फिर यहीं आएंगे। तट और तराई इलाकों में भी हालात बुरे होते जा रहे हैं। दशाश्वमेध घाट के पास रह रहे गरीब तबके के लोगों को अपना आशियाना छोड़कर जाना पड़ रहा है। जाएंगे क्या? रोड पर रहेंगे और कहाँ जाएंगे? घर द्वार तो आई नहीं है मेरे पास। यहाँ बहुत दिन से रह रहे सर, पानी डूब गया है, अब यहाँ रहने की कोई व्यवस्था है नहीं। तो क्योंकि हर साल ये दिक्कत होती है, एक घंटे हर साल कहीं इधर उधर रह लेते। क्या काम करते हैं? सब्जी बेचते। वहीं प्रयागराज में अगले साल महाकुंभ लगना है, लेकिन संगम पर बढ़ते पानी से महाकुंभ के काम पर भी असर पड़ रहा है। वहीं गंगा और यमुना दोनों ही नदियों का जलस्तर बढ़ने की वजह से पानी संगम स्थित प्राचीन लेटे हुए बड़े हनुमान मंदिर में भी प्रवेश कर गया है। ये तो वर्षों से चली आ रही परंपरा है, माँ गंगा हनुमान जी को जल अभिषेक करा के जाती है वापस। दुकानदार है, दर्शन करने भी लोगों को हालांकि दिक्कत हो गई जी। जो होता है हर साल की बात है, दो दिन चार दिन थोड़ा रहता है तकलीफ, फिर अपने आप माँ गंगा अपने आप चले जाती है अपने स्थान में। प्रयागराज के ज्यादातर इलाके पानी पानी हो रखे हैं। कई जगह 2 से 3 फुट पानी भर गया, गाड़ियां तक पानी में डूबी डूबी दिखी। गंगा और यमुना की तरह सरयू नदी में बढ़ता पानी भी तबाही ला रहा है। तस्वीरें बाराबंकी जिले की हैं। सरयू नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी से अब किनारे पर बसे कई गांव में कटान भी तेज हो गई है। रामनगर तहसील क्षेत्र के बबूरी गांव में कटान के चलते 13 घर नदी की धारा में समा गए। 40 से ज्यादा घरों पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। कटान के डर से ग्रामीणों ने अपने हाथ से खुद का पक्का मकान तोड़ना शुरू कर दिया है। गांव वाले सामान समेट कर सुरक्षित ठिकानों की ओर पलायन कर रहे हैं। सरकार की मदद अभी कौनों ने खाली राशन सारा मिला है, बस कहीं बसने के लिए जगह दे रही है? जगह भी कहूँ नहीं मिली है। कहना चाहिए तो हमका रह जगह मिले, हमका आवास मिले। कितने दिन से आ रहे हैं यहाँ, बता रहे हैं कि जगह नप रही, लेकिन अब पता नहीं कहाँ नप रही है। जिले के अधिकारी हालात पर नजर रखे हुए हैं। बाढ़ से निपटने के लिए टीमों की तैनाती की जा रही है, लेकिन इस बीच लोगों का घर छोड़ना और शरण के लिए दूसरी जगह जाने का सिलसिला भी बना हुआ है। प्रयागराज में दीपक गंभीर और बाराबंकी में सरफराज वारसी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और उत्तर प्रदेश के कई जिलों में रुक रुक कर तेज बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने 27 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। 5 जिलों में बाढ़ जैसे हालात हैं। मौसम विभाग के मुताबिक 10 से 16 अगस्त तक मौसम ऐसा ही बना रहेगा। हालांकि तेज बारिश से धान की खेती को फायदा मिलेगा।
हमारा भारत में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कैसे लखनऊ के जायके बदल सकते हैं। हमारा भारत में अब खबर लखनऊ से। लखनऊ वो शहर है जो अपनी तहजीब और जायके के लिए जाना जाता है। यहाँ के पारंपरिक खान पान आज भी कोयले की भट्टियों और तंदूर में बनाए जाते हैं, लेकिन बढ़ते वायु प्रदूषण के चलते नगर निगम ने अब कई रेस्टोरेंट मालिकों से बातचीत की है और प्रस्ताव दिया है कि नए तरीके अपनाए जाएं। लखनऊ से हमारी ये खास ग्राउंड रिपोर्ट। लखनऊ शहर अपने अदब और तहजीब के लिए जाना जाता है। ये शहर अपने लजीज व्यंजनों के लिए भी पूरी दुनिया में मशहूर है। यहाँ के बाजारों की चहल पहल और यहाँ के लजीज खानों की खुशबू, ये इस शहर की एक पहचान है। यहाँ का खाना इसलिए भी अलग ही स्वाद देता है क्योंकि ज्यादातर जगह पारंपरिक कोयले की भट्टियों का इस्तेमाल होता है, लेकिन अब लखनऊ नगर निगम कोयले की भट्टियों को गैस तंदूर में बदलाव का प्रस्ताव कर रहा है। बताया जा रहा है कि इसका उद्देश्य वायु प्रदूषण को कम करना है। टेरी ने स्टडी किया कि लखनऊ में 2000 से ऊपर ऐसे तंदूर या भट्टियां चलती है जो कोल से चलती है, तो हमने 100 पे जो है टेरी के द्वारा रेट्रोफिटिंग का प्रपोजल दिया, तो उन्होंने 100 को रेट्रोफिट भी किया। जब उस पे जाके ये AQI को देखा गया, उस कमरों के आसपास AQI में ड्रास्टिक रिडक्शन मिला। जब इसका इम्पैक्ट पूरे लखनऊ में देखा गया तो बहुत ज़्यादा वो स्केल अप करके गया। तो हम लोग जो है अभी आपके माध्यम से जहाँ हम डायरेक्ट इंटरेक्ट करके ये अपील कर रहे हैं कि आप इन भट्टियों को कन्वर्ट करिए गैस बेस्ड तंदूर्स में, या आप गैस बेस्ड भट्टियों पे आइए। नगर निगम के इस प्रस्ताव को मिली जुली प्रतिक्रिया मिल रही है। विश्व प्रसिद्ध टुंडे कबाबी रेस्टोरेंट के मालिक मोहम्मद उस्मान का मानना है कि हमें नए बदलाव के साथ तालमेल बिठाने की जरूरत है। अब देखिए, कोयले में तो खैर बात आती है कि जो लकड़ी का कोयला होता है उसकी खासियत अलग होती है, लेकिन अगर गवर्नमेंट पहल कर रही है और वो तंदूर इलेक्ट्रिक वाले गैस वाले चलाना चाह रहे हैं, देखना चाहते हैं, अगर उससे ट्रायल हो तो कोई दिक्कत भी नहीं है। ज़माने के हिसाब से बदलना चाहिए थोड़ा सा, और जैसे दुबई वगैरह में है वहाँ पे सिंगड़ी से रोस्टेड वगैरह बनता है, रोस्टेड बनता है, टिक्के बनते हैं, मलाई टिक्का, फिश टिक्का, सब उससे सिंगड़ी पर बनता है। लेकिन कई लोगों के लिए कोयले का तंदूर सिर्फ खाना पकाने का तरीका नहीं है, बल्कि लखनऊ की जायके के असली स्वाद को बनाए रखने में एक अहम हिस्सा है, और नए प्रस्ताव से लखनऊ के खानों की पहचान ही खत्म हो जाएगी, ये कुछ लोगों का मानना है। देखिए, गैस का खाना जो है वो अंदर से कच्चा रहता है, और कोयले का खाना अंदर से आप जो है वो पूरा अंदर तक के सिक जाता है, वो बीठा ताव होता है बेहतरीन, जिस तव हम लोग ताव कहते हैं, आप लोग कोयला डालते हैं भट्टी में, जो मीठी आंच पे बनता है वो पूरा सिका हुआ होता है। और दूसरी चीज़, हर रोटी जो है गैस पे नहीं बन पाएगी। हाँ, स्वाद कोयले का स्वाद अलग ही होगा, सौंधापन होगा उसमें। अगर कोयला गवर्नमेंट बंद कर रही है तो गैस के ऊपर ये शिरमाल कुलचा लखनऊ के अंदर सबसे ज़्यादा खाया जाता है, कुलचे नहारी, कबाब पराठे, शिरमाल जो खाई जाती है, ये गैस के ऊपर नहीं बन सकती है क्योंकि इसके अंदर पानी का छींटा डाला जाता है इस तंदूर के अंदर, और गैस पे अगर बनाएंगे तो गैस बुझ जाएगी, तो ये शिरमाल कभी बन ही नहीं सकती है। लखनऊ की पहचान है शिरमाल। लखनऊ के खानों का मजा लेने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। इन पारंपरिक तंदूरों के स्मोकी टेस्ट उनकी पसंद है। पॉल्यूशन कम हो सकता है, लेकिन भाई स्मोकी टेस्ट है तो उसके वो थोड़ी प्रॉब्लम होगी, लेकिन एक मिड वे सोचना चाहिए कि इनको भी हार्म ना हो और एनवायरनमेंट को भी हार्म ना हो, तो इसके लिए एक मिड वे सोचना चाहिए। देखो, टेस्ट देखना है तो आपको कोयला ही ठीक है, लेकिन एनवायरनमेंट के हिसाब से गैस के तंदूर होने चाहिए। बदलते वक्त और बदलते हालात में हर जगह नए प्रस्ताव लागू हो रहे हैं। कहा जा रहा है कि कोयले की भट्टियों से प्रदूषण बहुत होता है, और समय की मांग है कि परंपरा भी बची रहे और वक्त की जरूरत का भी ध्यान रखा जाए। इस शहर के अंदर दो लखनऊ हैं, एक पुराना लखनऊ और एक नया लखनऊ, मगर लखनऊ का जायका ही एक ऐसी चीज़ है जो ना पुराना है ना नया है, जो सदियों से चला आ रहा है। अब इस बदलाव के बाद सबके जहन में एक ही सवाल है कि क्या लखनऊ का जायका वही रहेगा या नहीं। कैमरा पर्सन वीरेंद्र कुमार सैनी के साथ तनिष पंजाबी, NDTV।
नगर निगम को जो रिपोर्ट सौंपी गई है उसमें सामने आया है कि होटल और रेस्टोरेंट में पारंपरिक या कोयला आधारित तंदूर का उपयोग किया जाता है, इसकी वजह से धुआं पैदा होता है जिससे वायु प्रदूषण हो रहा है। नगर निगम को सौंपी गई रिपोर्ट के मुताबिक तंदूर में इस्तेमाल कोयला और लकड़ी के धुएं से प्रदूषण फैल रहा है। तो हमारा भारत में आज इतना ही। आपको हमारी ग्राउंड रिपोर्ट्स कैसी लग रही हैं हमें ज़रूर बताएं। आपके लिए हमारी ये सभी रिपोर्ट और ये कार्यक्रम NDTV इंडिया के सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध है। नमस्कार।